नरेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के मंगल आशीर्वाद से भाटापारा छत्तीसगढ़ में 26 मार्च 2022 को आयोजित हुए प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महामहोत्सव पर ये विशेष प्रस्तुति। आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भव्यतम भव्य रूप से मनाने का सौभाग्य श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंचबालियती नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के पावन आशीर्वाद से भाटापारा में ये महोत्सव पिछले 8 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें भाटापारा के अलावा देश के विभिन्न भागों से जैन समाज सहित अन्य अनेक समाज के श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम स्थल पर श्री जी की प्रतिमा की स्थापना के साथ कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ किया जाता है। इसी के साथ मंगल मंत्रोच्चारण के बीच भगवान का मंगल अभिषेक शुरू हो जाता है। भगवान का मंगल अभिषेक कर भक्तगणों ने भगवान की पावन शांति धारा भी की। सर्व मंगल एवं शांति की कामना के लिए शांति धारा के मंगल मंत्रों का उच्चारण किया गया और भगवान की पावन शांति धारा की गई। Thank you.
और फिर भक्तों ने मिलकर विधिवत भगवान का पूजन इत्यादि किया। मधुर भजनों की रसधार बह रही थी। कार्यक्रम परिसर में मौजूद हर एक भक्त के अधरों पर भगवान का नाम था। स्वादेव विनांदाम जल जलमति स्वाहा ओम ईं चीं विश्वादेव 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 विनांदाम जल जलमति स्वाहा पदरे गोतरे गावेतार कलचे कलेशानियो तोड़ारो रे कलिचा ढारो रे कलिचा ढारो कमालो रे पुण्य मारी नेमि पद्म पुष्प मल्ली नाति जी की मूरत मैंने हारी सुव्रत शांति पार्श्वीर प्रभु जी पे हो जाऊं बलिहारी कलिचा ढारो रे ऋषभ देव पे तुमाते सुनंदा भ्राता भरत समान घुट्टी में श्री बाहुबली को मिला धर्म का ज्ञान घुट्टी में श्री बाहुबली को मिला धर्म का ज्ञान चक्रवर्ती का शीश झुका कर प्रभुता चौड़ी प्रभुता पाकर चक्रवर्ती का शीश झुका कर प्रभुता चौड़ी प्रभुता पाकर विजय गर्व के पहले प्रभु ने धरा दिगंबर वेश धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सरटे मस्तकाभिषेक मुनि सुव्रत नाथ भगवान का मस्तकाभिषेक ओ कलिशा ढारो रे ढारो रे ढारो सबे भाई कलिशा ढारो रे ढारो सबे भाई बीते सहस्त्र वर्ष मूर्ति यह कब से गड़ी हुई खड़े तपस्वी का प्रतीक बने कब से खड़ी हुई खड़े तपस्वी का प्रतीक बने कब से खड़ी हुई श्री चामुंडी राय की माता इसका श्रेय उन्हीं को जाता इनके लिए रचित प्रतिमा से लाभान्वित प्रत्येक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक कलशा ढारो रे ढारो सब भाई ऐसा ध्यान लगाया प्रभु ने रहा न ये भी ध्यान किस किस ने चरणान बिंब में बना लिया है स्थान ऐसे ध्यान महान योगी का कहीं नहीं उल्लेख ये लाखों में एक नहीं है दुनिया भर में एक
मस्तकाभिषेक श्री सुव्रत नाति भगवान का, मस्तकाभिषेक कलशा डारो रे डारो रे डारो सबे भाई, मेरे नीर चीर की धाराओं से भीग रहे घोमटे, मस्तकाभिषेक 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 प्रभु का मस्तकाभिषेक। म्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते। ओं म्रीं क्रों मं पापं खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओं नमो अरं झं झ्वीं छ्वीं हं सं झं वं हं प हा चां छीं छूं छें छें चौं चौं छं झा छ्वीं राम रीं रूं रें 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 रौं 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 हं हा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते। ठट अस्माकं मुनियार्क नाम श्रावक श्राविका नाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं मुनियार्क नाम श्रावक श्राविका नाम कार्यसिद्ध्यर्थ सर्विक निवारणार्थ श्रीमद्दरक सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं मुनियार्क नाम श्रावक श्राविका नाम श्री शांति भट्टारक पात्म प्रसाद सद्धर्म श्री बिलायु आरोग्य शर्या वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परमांगनामधे। अस्माकं मुनियार्क नाम श्रावक श्राविका नाम यहमुत्र च सिद्धिं तर्मंतु सद्धर्म कार्येषु यहमुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षदंकराय श्रीमदतरुवाय दिव्य तेजोमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय चतुर्दश संहिताय समर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चतुर्वारि गुण संयुक्ताय परमेष्ठी पवित्राय सम्यक ज्ञान समूह सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनानंद ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रैलोक विवेचन कराय सत्य जगति के ईश गए गिरिराजा जहां पांडु के शिला विराजा सूर्यपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा अरुसनत कुमार महेंद्र दोए सुर राजा सिर चमर ढुरावे साजा सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुक से लावे विष जयकार किया प्रभु से सिद्धि विष जय जहो जहो इंद्राणी प्रभु तन पोछ लिया इंद्र प्रभु तन पोछ लिया शुभ तिलक नीलांजन सची कियो से सुराजा नाना भूषण से साजा सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा ऐरावती पुनि प्रभु ला करके ऐरावती पुनि प्रभु माता की गोदी बिठा करके माता की गोद अति अचिरज तांडव नेत कियो देव राजा ए स्तुति करके जिन राजा सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुक शिला एक हजार आठ कलशो से प्रभु जी का नवन करेंगे अमृत के कल से डरो नवन प्रभु आज करेंगे। इसके उपरांत भव्यतम भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से जैन श्रावक श्राविका श्रेष्ठी पधारे थे, जिसमें प्रमुख रूप से जशपुर कुनकुरी कोरबा नैला अकलतरा बलौदा चांपा बिलासपुर रायपुर तिल्दा नेवरा बलौदा बाजार साकरा कुरा डोंगरगढ़ राजनांदगांव दुर्ग भिलाई सेक्टर 6 नेहरू नगर वैशाली नगर धमतरी नयापारा राजिम जगदलपुर आदि विभिन्न क्षेत्रों के श्रावक पहुंचे थे। Thank you.
नगाड़े बज उठे थे, सभी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था। घंटियों का मंगलनाद गुंजायमान होने लगा और भक्त रथ में श्री जी को विराजमान कर ठाट बाट के साथ निकल पड़े भगवान की रथ यात्रा को लेकर। स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान श्री जी की अनुपम प्रतिमा, बड़ा ही स्वर्गिक नजारा था। ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी श्री जी की ये भव्य रथ यात्रा। लग रहा था कि सारा प्रदेश उमड़ आया हो। सैकड़ों की संख्या में भक्त भक्ति करते हुए रथ यात्रा का आनंद ले रहे थे। इस क्रम की खासियत ये है कि इसमें प्रत्येक वर्ष जैन समाज के साथ साथ शहर के प्रत्येक समाज, आदि गौड ब्राह्मण समाज, सिख समाज, नारायणी नमो समाज, यादव समाज, साहू समाज, अग्रवाल समाज, पूज्य सेंट्रल सिंधी पंचायत, समस्त सिंधी समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, केशरवानी समाज, बोहरा समाज, गुप्ता समाज, वैष्णव समाज, वर्मा समाज, पेंशनधारी संघ आदि द्वारा सामाजिक समरसता को परिलक्षित करते हुए श्रीजी की भव्य अगवानी की जाती है।
जैन धर्म के शाश्वत उपदेशों की प्रभावना करते हुए ये रथ यात्रा अपने मार्ग पर बढ़ी चली जा रही थी। मार्ग में रथ यात्रा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरी, अनेकों भक्त श्री जी के दर्शन कर धन्य हो गए।
सागर गुरु प्यारा, इनको है नमन हमारा। चिन्मय सागर गुरु प्यारा, इनको है नमन हमारा। जब जंगल में तप करने जाए महके उपवन सारा, चरण पखारे कोयल मैना तोता पशु पक्षी जिनके बने सखारे, जिनके बने सखारे। सूखा हो वन मधुबन हो जाए ऐसा तेज तुम्हारा, शीश झुकाता। गुरुवर के रूप में देखो भक्तों हरिहंतों का नजारा, ¡Gracias!
और इस तरह ये भव्य रथ यात्रा शाश्वत जिन धर्म की प्रभावना करते हुए मंदिर जी पहुंच जाती है। रथ यात्रा मंदिर जी में आकर विराम लेती है। और भक्त श्री जी को यथास्थान विराजमान कर देते हैं। सभी भगवान की वंदना करते हैं और विधि विधान पूर्वक पूजन शुरू किया जाता है। कार्यक्रम में रहली पटनागंज मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद लेकर परम आदरणीय दीपक भैया जी अमर कंटक वाले पधारे थे, जो कि प्रत्येक वर्ष खास इसी कार्यक्रम को लेकर पूज्य आचार्य श्री से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ पधारते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। ऐसे सुमंगल अवसर पर आदरणीय भरत शास्त्री जी वास्तुविज्ञ ज्योतिषाचार्य शास्त्रज्ञ इंदौर से कार्यक्रम में पधारे थे। इस श्रृंखला में सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया जाता है। ओम रीम से विषबाधी वीरांताजले सब मति स्वाहा। 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 भद उतरे अवेतारे कलश घट जानियो एक चारे वसुयोजन मानि प्रमाणियो सैसे अटो तरी कलेशा प्रभु जी के सिरे धरे पुनि श्रृंगारे प्रमुख आचार्य सब की करे करे प्रगट प्रभु महिमा महोत्सव आनि पुनि मात दरोदन जगत मंगल गावहि प्रभु जगत मंगल गावहि भगवान के गुण गावहि जासो परम पद पावहि श्री जी को शीश। एक दिवस का एक कलश है आठ दिनों के आ एक दिवस का एक कलश आठ दिनों के आ ढारो रे कलता ढारो रे आदिनाथ और आदिनाथ और पानी ध्रुवत Thank you.
इस दौरान मंगल अभिषेक और शांति धारा में भाग लेने वाले भक्तों का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। कार्यक्रम का कारवा आगे बढ़ता है और मंगल अभिषेक के पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की जाती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमदे। ओम रीम क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाजे पाजे। ओम नमो अरहम झीम क्षीम हम सम झम वम ह पक्षाम क्षीम छुम छीं छुम छुम चा झीम ह्राम रीम रुम रीम रीम रुम रुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं सर्व सेविकानां सकल समाजानां सर्व शांति धारा कर्तारः सर्व शांति धारा द्रष्टारश्च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्व सेविकानां सकल समाजानां सर्व शांति धारा कर्तारः द्रष्टारश्च कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत भगवद् परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्व सेवकानां सकल समाजानां सर्व शांति धारा कर्तारा द्रष्टारस्य श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतुना। ओम श्री वृषभाय श्री वर्धमान पर्यंतास्तुरंतु भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगल्य नामधेया। अस्माकं सर्व सेवकानां सकल समाजानां सर्व शांति धारा कर्ता रह द्रष्टारस्य यः मूत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मूत्र च सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय। तत्पश्चात भक्त भगवान को मंगल अर्घ्य समर्पित कर मंगल पूजन करते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ता है। श्री अभिषेक मोदी जी द्वारा कार्यक्रम का संचालन आगे बढ़ाया जाता है और कार्यक्रम में पधारने वाले अतिथि गणों का मंच पर आह्वान किया जाता है। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के छत्तीसगढ़ शासन में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो मैं मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों से कहूंगा कि वो उनको यहाँ पर लाकर मंचासीन करें। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की एक शब्द है जो नवीन अंकल ने मुझे बचाया था, वो उनकी पहचान है कि अगर कोई भी परिस्थिति आए
तो रुको, देखो और समझो, उसके बाद कार्य करो और उस तरह से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी से, नवीन अंकल से निवेदन करूंगा, पापा से निवेदन करूंगा कि आप सुरेंद्र शर्मा जी को यहां पर ला के मंचासीन करेंगे। अगले क्रम पर हमारे बीच में हमारे जिले के कलेक्टर रह चुके हैं, हमारे धर्म के, हमारे जैन समाज के गौरव इनको कह सकते हैं, जशपुर नगर से सुशोभित होते हैं या हमारे छोटे से निबंध पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनका यहाँ पर भाटापारा में यहाँ पर आते थे, मंदिर में प्रतिदिन दस लक्षण पर में भी अभिषेक पूजन करने के लिए आते थे, भले अगर कुछ कारणवश यहाँ पर नहीं पहुंच पाते थे तो लाइव फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से नित प्रतिदिन अभिषेक देखा करते थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ धर्मनिष्ठ हमारे यहाँ पर आदरणीय श्री सुनील अजमेरा जी यहाँ पर परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे निवेदन को स्वीकार करें। अगर मोदी परिवार में, अगर आदिना दिगंबर जैन मंदिर में, अगर गदिया परिवार में कभी भी कोई सुख होता है तो आप इनको पाएंगे और दुख होगा तो अग्रिम पंथी में इनको पाएंगे। ऐसे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं श्री प्रदीप जी जैन, दैनिक विश्व परिवार हमारे बीच में उठाए हैं, जो कि जैन धर्म में अगर कोई एक ऐसे पद में, आजादी के बाद यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ है और उसमें जैन समाज का अगर कोई व्यक्ति पहली बार बैठा है तो है हमारे प्रदीप जी जैन, दैनिक विश्व परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, हमारे समाज का गौरव है। यह आयोजन सिर्फ भोजन और भजन तक सीमित ना रह जाए। परम पूज्य मुनि श्री 108 राजचंद चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाला बाबा की प्रेरणा से एवं भगवान आदिनाथ जन्म कल्याण का यह कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दुनिया यह जानती है कि भगवान महावीर से जैन धर्म के संस्थापक है। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक है ऐसी दुनिया मानती है, यह सत्य नहीं है। अपिति उनके पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान हैं, जिन्हें मुस्लिम आदिम के रूप में, हिंदू शिव जी के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में मानते हैं, जिन्होंने धर्म की भंगा बहाई, धर्म को आगे बढ़ाया और धर्म के तीर्थ को चढ़ाया। भगवान के अवतरण के पहले भोग भूमि थी, जब भोग भूमि समाप्त हुई, त्राही माम मच गया, तो आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान ने लोगों को अशी मशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि की शिक्षा दी। आज जो व्यापार हो रहा है, आज जो राजा है, खेती है, बीज है, फसल है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, ये सब आदिनाथ भगवान की देन है। आदि ऋग्वेद आदि अनेक वेदों में भी ऋषभ देव के नाम से आदिनाथ भगवान का उल्लेख मिलता है, इतिहास साक्षी है, शिलालेख मिल रहे हैं कि आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र हुए जिनमें से भरत के नाम से यहाँ पहले चक्रवर्ती बने और जिनके नाम से हमारा देश आज भारत के रूप में सुशोभित है। बाहुबली कोई नाम की अतिशयोक्ति नहीं है, दक्षिण भारत में विश्व की सबसे बड़ी 56 फीट ऊंची एक पत्थर से बनी मूर्ति का मस्तकाभिषेक हम सब करने जाते हैं प्रत्येक 12 वर्षों में, वह मूर्ति बाहुबली भगवान की है। उन्होंने गृहस्थ जीवन का संचालन किया, राजा ऋषभ देव के रूप में 3 ज्ञान के धारी थे, अविधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान। फिर उन्होंने 28 मूल ग्रहण को ग्रहण किया और उन्होंने दीक्षा ली, पश्चिमुष्टि केश लेन किया, संयम धारण किया, एक टाइम आहार लिया और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। यही भावना राष्ट्र मुनि चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की रहती है कि जैसे आदिनाथ भगवान के समय में सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना रहती थी, उनके लिए आदिम मनना, सबके लिए बिना भेदभाव का उपकार करना, क्योंकि धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता। आज का कार्यक्रम बताता है कि धर्म किसी एक समाज जाति का नहीं, जैन धर्म सामाजिक धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है, मानवीय धर्म है, नैतिक धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, अनादिकाल से चला आया है। और आदिनाथ भगवान के बाद 23 तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। अगर जैन धर्म अनादिनिधन धर्म नहीं होता, जैन धर्म सबका धर्म नहीं होता, तो अहिंसा को मानने वाले, भाईचारा को मानने वाले, मानवता को मानने वाले विविध समाज के लोग आज जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की अगवानी नहीं करते। आज आदिनाथ महाराज जी बताते हैं कि सभी जातों के मनुष्य की भावना है कि सभी समाज जाति वर्ग के लोग मिलजुल कर यह काम करें, सभी सन्मार्ग के चले, उन्मार्ग से बचे, जिससे सभी तथ्य को समझकर आगे बढ़ाएं। इसी भावना से, इसी संदेश को मन में रखते हुए विगत 8 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। सभी जाति वर्ग, सभी धर्म के लोग मिलकर भगवान आदिनाथ के सपने को साकार करने जा रहे हैं, भगवान महावीर के सपने को साकार करने जा रहे हैं। सभी अपने अपने समाज के लोगों को दुर्व्यसन
से बचाए, मांस मदिरा नसीदा से बचाए, सन्मार्ग पर चलाए, शाकाहारी बनाए, संस्कारवान बनाए, सुशिक्षित बनाए, उपयुक्त बनाए, सुसंस्कृत बनाए, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाए, ताकि विश्व का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, सभी सुख हो सके, सभी दुख से मुक्ति मिल सके। हमारा सौभाग्य है कि सभी वर्ग के लोगों ने जाति वर्ग की भावना से परे उठकर यह आदिनाथ जयंती जन्म कल्याणक मना रहे हैं। यही आवश्यकता है समाज को, देश को, राष्ट्र को, जनता को, लोगों को सही दिशा देने की आवश्यकता है। आज गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी जो धड़कन है वह गुरु जी हमारी धड़कन को समझते थे, हमारी नब्ज को समझते थे, हमारी राजनीति को जानते थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ में यह विरहद आयोजन किया गया है। श्रेष्ठीगण मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। आदरणीय सुनील सर जी को, सुनील जी जैन अजमेरा हमारे बीच में यहाँ पर आएंगे और हम सबको कैसे धर्म और कर्तव्य को एक साथ चलाया जा सकता है उसके बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक धार्मिक कार्यक्रम हो और जिसमें सिर्फ धर्म की चर्चा हो और धर्म के बारे में बातें हों, उसमें इतने लोग एकत्रित हो जाएं आज के समय में बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सब अपने लिए ताली एक बार जरूर जोरदार बजाएं। जैसा कि अभिषेक जी ने काफ़ी विस्तार से आप सबको बताया कि यह कार्यक्रम परम पद्य मुनि चिन्मय सागर जी महाराज, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी सीखें और उनकी यादें और उनके सिद्धांत हमारे बीच में अभी भी जीवित हैं और उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। उनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष भाटापारा में पूरे सम्मान और उत्साह के साथ न सिर्फ जैन समुदाय के लोगों के द्वारा बाकी अन्य समुदाय के लोगों की सहभागिता के माध्यम से संपन्न किया जाता रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों में ये महत्वपूर्ण होता है कि लोगों का उसमें जुड़ाव जरूरी हो और लोग अपने धर्म से संबंधित बातों में जुड़ करके और उसमें आगे प्रेरणा लेकर के बढ़ें। इसके लिए निश्चित तौर पर ये ज़रूरी है कि लोगों को धर्म के प्रति रुझान लाने के लिए हमें कुछ ऐसी गतिविधियां करनी पड़ती हैं जो आज के इस युग में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। हम अपने तीर्थंकरों की याद में तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए, जैसा कि आपको पता है आज हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ जी का जन्म उत्सव है, जन्म कल्याणक का दिन है और इस दिन को हम सब इस उत्साह और उससे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी को इस जन्म कल्याणक के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस कार्यक्रम में सहभागिता बनने के लिए बहुत बहुत आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं, मैं ईश्वर से हमारे सभी से प्रार्थना करता हूं कि जैन धर्म के बताए हुए सिद्धांत जो हमारे बीच में आज भी प्रासंगिक हैं, उनका अगर थोड़ा सा भी पालन हम करें, इसको धर्म की बात न मानकर एक आदर्श के रूप में स्वीकार करके अगर हम पालन करें, क्योंकि धर्म की बात करने से थोड़ा बात कॉम्प्लिकेटेड और जटिल हो जाती है। जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, ये सब बातें ऐसी हैं जो सभी धर्मों में समान रूप से बताई गई हैं और सभी धर्मों में इसको व्याख्या अपने अपने तरीके से की है। सत्य सभी के धर्म में बताया गया है कि हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य के धर्म का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह सभी के धर्म में बताया है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए। अकिंचन, एक दूसरे की बात को सम्मान देना, जो आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अकिंचन शब्द का प्रयोग जैन धर्म में ही हुआ है, मुझे बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है, जिसके बारे में आज पूरे दुनिया में चर्चा है टॉलरेंस की, कि हमको एक दूसरे के विचारों के लिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, उनके बातों को प्रॉपर सम्मान देना चाहिए।
दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पूरी तरीके से गलत है, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी तरीके से सही है। सब अपनी जगह पर सही है और सब अपनी जगह पर थोड़े थोड़े गलत हैं। तो आज जिस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं हम अकिंचन, वो हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत में है कि हर व्यक्ति को हर किसी की बात का सम्मान करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दूसरे की बात को भी आप सम्मान दे करके उनको आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं इस अवसर पर हमारे बहुत वक्ता हैं बीच में, ज़्यादा मैं समय लेना नहीं चाहता। आप सभी ने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। श्री सुरेंद्र जी पाटनी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। विगत 3 वर्षों से प्रकाश भैया का बराबर आग्रह था कि आप एक बार आदिनाथ जयंती के कार्यक्रम में आइए, चूंकि व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ सका। कल भी बात हुई प्रकाश भैया से तो बोले आपको आना जरूरी है, तो मैं बोला इस बार जरूर आऊंगा भैया, 2 साल तक मैं नहीं आ सका। आज इस कार्यक्रम में पहुंचने से निश्चित ही इस कार्यक्रम की गरिमा, इसकी महत्ता का आभास हुआ। आज हमारे जैन समाज के छत्तीसगढ़ के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग, जैसे भिलाई से हमारे अरविंद जी, कचोड़मल जी यहाँ उपस्थित हैं, रायपुर डोंगरगढ़ के हमारे चंद्रगिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई किशोर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, अजय जी हैं, रायपुर से अरविंद पहाड़िया जी हैं, राजिम से गदिया जी, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को से यहाँ मिलने का, जानने का, समझने का अवसर मिला। प्रकाश भैया को बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से अथक मेहनत करके सब लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम वह बड़ी तन्मयता से, लगन से करते हैं। आज इस महोत्सव की गरिमा इस बात से इंगित होती है कि जन सामान्य में सामान्यतः जैन के कौन भगवान, तो लोगों को यह रहता है कि जैनियों के महावीर भगवान ही प्रमुख हैं। बहुत अजैनों में बहुत 99% लोगों को यह नहीं मालूम कि जैन धर्म इतिहास के, जहां भी इतिहास को खोदा जाता है तो जैन धर्म की मूर्तियां निकलती है। इसका मतलब है लाखों लाखों साल पुराना हमारा जैन संस्कृति पूरे विश्व में पहुंची हुई थी और हमारे आदि पुरुष परम वैभवशाली और हमारे आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इसके प्रणेता थे। जैन धर्म के जनक आदिनाथ भगवान थे और हमें इस आदिनाथ जयंती पर सभी के साथ उपस्थित होने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं पूरी भाटापारा जैन समाज और प्रकाश मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित ही इस प्रकार से जो एक भव्य और रंगारंग कार्यक्रम संपूर्ण भाटापारा और संपूर्ण जैन छत्तीसगढ़ की जैन समाज को जोड़ के किया गया, इसके लिए एक संदेश जो जन जन पे जो जैन समाज के बारे में जो जाता है और एकता के सूत्र में जैन समाज को देखने से संपूर्ण जैन समाज की को एक बल मिलता है। और इसी प्रकार हमारा समाज भाटापारा समाज जो अथक मेहनत करके अन्यान्य गतिविधि में राष्ट्रीय स्तर पर चिन्मय सागर जी को केंद्र बिंदु बनाकर जो एक ट्रस्ट के रूप में समाज सेवा का काम कर रहा है, उसके लिए भी मैं भाभी जी, सुमनलता जी एवं प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और भविष्य में इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर तरक्की करते रहें और आपका यश गान और आपकी जो भावना समाज सेवा के रूप में है वो फलीभूत होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर जय जिन्हें। भाई अंकित जी जैन वर्धमान, जिन्हें
हम भोपाल से आमंत्रित करके यहाँ पर लाए थे। आज उनकी स्वर लहरी को हमने जुलूस में आदिनाथ भगवान की रथ यात्रा में सुना था। सुर संगम परिवार के ये सदस्य हैं और हम सबका सौभाग्य है कि सुरगम सर संगम परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बंडी चाचा विनोद चाचा जी सुशोभित है। मैं निवेदन करूँगा कि भाई अंकित जी आप यहाँ पर मंच पर आएंगे और विनोद जी मोदी जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर ये सम्मान में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही श्रेष्ठी गणों का मंच से सम्मान भी किया जाता है। ऐसे पावन अवसर पर अतिथि सम्मान में भी प्रकाश मोदी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमनलता मोदी जी ने भी अपनी सहभागिता जताई। है सुरमा वही इस जग में, है सूरमा वही इस जग में जो अपने पदचिन्ह बनाता है, जो अपने पदचिन्ह बनाता है। कोई पदचिन्हों पर चलता, कोई पदचिन्ह बनाता है। ऐसे ही अपने पदचिन्ह बनाने वाले हमारे मोदी जी और उनका पूरा परिवार, एक हंसता मुस्कुराता व्यक्तित्व जो सभी को आकर्षित करता है। आज आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पर अपना तो पुण्य बढ़ा ही, हम सबको भी इस पुण्य में सहभागी बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो राजिम में जो नसिया जी का निर्माण हो रहा है, मुख्य मार्ग पर, राजिम के मुख्य मार्ग पर वो नसिया जी का निर्माण हो रहा है और विशाल तम 15 फीट की आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा वहाँ पे लाल पाषाण की वहाँ पे स्थापित हुई है और वहाँ पे 24 ही बन रही है। एक तीर्थ का रूप राजिम में डेवलप होने जा रहा है। राजिम समाज के लिए और शैलेश के लिए, हमारे किशोर जी के लिए और पूरे बबलू भैया, पूरे एक कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि एक बहुत भव्य तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है और हमारे शैलेश जी तन मन और धन से वहां पे समर्पित है और हमारे सुनील जी का मार्गदर्शन और हमारे अमिताभ जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका भी मार्गदर्शन उनको हमेशा मिलता रहता है और उन्हीं के प्रयास से यह तीर्थ आज बहुत अच्छे रूप में डेवलप हो गया है। आप कभी भी अगर जाएं तो राजिम में नसिया जी के दर्शन जरूर करें। आज जो राजिम में नसिया जी की जो जगह प्राप्त हुई है, जिस पे इतना विकास हुआ है, वो आदरणीय सुनील भैया की मेहनत है। उन्होंने रास्ता दिखाया था जो इस मुकाम में पहुंच गए हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भव्य वेदी प्रतिष्ठा समारोह इनके द्वारा किया गया है। पूज्य अनंतमती माता जी का चातुर्मास का आयोजन, पूज्य गुरुमती माता जी का एक माह का प्रवास, पूज्य प्रशम सागर जी महाराज, पूज्य सुयस सागर जी महाराज। इनका सम्मान यहाँ पर करा जा रहा है, इनको प्रोत्साहित करने के लिए कि ये आगे बढ़ें और धर्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को यहाँ पर दिखाएं। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो जुलूस है, जो खाना है, वो बहुत ही अच्छा है। जो जुलूस है उसमें आपने बहुत अच्छी भक्ति की। मैंने पहली बार जुलूस में इतनी अच्छी भक्ति देखी है, तो एक बार सब अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए।
जितने भी मुनि यहाँ पर आहार विहार करते रहते हैं उनको अगर कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर सोगानी को याद किया जाता है। ये आयुर्वेदिक, क्योंकि एलोपैथी इत्यादि होम्योपैथी औषधि हमारे मुनिराज नहीं लेते हैं, तो ये निःशुद्ध, ये विशुद्ध भाव से विशुद्ध यहाँ पर औषधि प्रदान करते हैं। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु यहाँ पर अगर त्यागी व्रतिगण छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर भी औषधि यहाँ पर भिजवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र सोगानी जी जो दुर्ग से हमारे बीच में आए हैं, जोरदार इनका तालियों से स्वागत करें। चार प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, और उसमें औषधि दान काफी प्रमुख रहता है, इसमें अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री सपन जी गोधा जी का। दिलीप बड़जात्या जी का सम्मान, समाज का सम्मान, संपुष्ट धमतरी सहित समाज का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। जगदलपुर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि सभी उपस्थित हुए हैं, वो उनसे निवेदन है कि वो अपना मंच पर स्थान यहाँ पर ग्रहण करेंगे स्टेज में। और सर्वप्रथम आदिनाथ जयंती में अगर बाहर से कोई पहुंचा है तो जगदलपुर की पूरी टीम कल रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुंच गई थी, आज सुबह अभिषेक किया, पूरी रथ यात्रा में इन्होंने 1 सेकंड के लिए भी रथ की रस्सी नहीं छोड़ी, और उसके बाद अभिषेक गुना किया और आज यहाँ पर मंच हमारा सम्मान ग्रहण करके हमको सम्मानित करने आ रहे हैं, जिनके हाथ का टैटू उनकी पहचान है। ऐसे समीर भाई जी का जो कि कोषाध्यक्ष हैं सकल दिगंबर जैन समाज जगदलपुर का, उनका जोरदार स्वागत करते हुए यहां पर हम आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कुंडलपुर में पंचकिला चल रहा था, अपनी महती भूमिका निभाई थी, वहां भी ये पहुंचे थे। ऐसे श्री विवेक, श्री यहां पर विवेक जी जैन का यहां पर सम्मान करते हुए आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक मम्मी जी को लेके मंदिर जाते हैं, अभिषेक दिलाते हैं, इन्होंने ये नियम लिया हुआ है और इस नियम को लेते हुए इन्होंने अभिषेक का नियम लिया है कि माँ को लेके जाऊंगा और अभिषेक प्रतिदिन करूंगा। ऐसे संदीप भैया का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, बहुमान किया जा रहा है। स्वागतम स्वागतम आपी का स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपी का स्वागतम, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बारंबार। यहां पर सम्मान हो रहा है हमारे जैन समाज के गौरव श्री सुनील जी अजमेरा का। अभिषेक ने जब कहा कि एक धार्मिक आयोजन है और उसमें हम आपको बुलाना चाहते हैं, मेरे लिए सौभाग्य का विषय था, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि आज हिंदुस्तान में और पूरे संसार में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला अगर किसी में है तो वो धर्म में है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये अपने आप में सत्य है। जैन धर्म के संबंध में बहुत ज्यादा नहीं जानता, मगर ये जरूर जानता हूं कि बहुत ही पुरातन धर्म है। सनातन काल से ऋषभ देव जी के जन्म से आरंभ होकर के आदिनाथ देव भगवान से लेकर के आज तक महावीर जैन के शासन काल में आज पूरा जैन समाज आप्लावित है, उन्हीं से प्रभावित है और उनके रास्ते में चल रहा है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम जिधर भी दृष्टि डालेंगे तो दुनिया में पूजनीय वही हुआ है जिसने त्याग किया है। जितने भी देख लीजिए आप, भगवान राम से ले लीजिए, कृष्ण से ले लीजिए, महावीर जैन से ले लीजिए, बुद्ध से ले लीजिए, आने वाले समय में शंकराचार्य जी से ले लीजिए, जितने भी लोग हुए हैं उनकी खासियत एक ही रही है कि सभी लोगों ने त्याग किया है।
और जैन समाज तो करुणा का अपने आप में मूर्ति है। जीव मात्र की किसी तरह से हानि न हो, ये भावना मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी भावना हो सकती है। दिक्कत यह है कि हम सभी लोग जिसे जानते हैं उसे मानते नहीं, और जिसे मानते हैं उसे जानते नहीं। अब जैन समाज में मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों का पेट निकला रहता है। मैं गौर करता हूं इस बात को। उसका कारण यह है कि दिन डूबने के पहले खा लेते हैं। अब आज YouTube में चलता है 14 आवर फास्टिंग, 14 घंटे आप वो बड़ा भारी उसको दिखाते हैं, 24 घंटा आपको नहीं खाना है, 14 घंटा 14 आवर फास्टिंग, क्या है ये? जब आप दिन डूबने के पहले भोजन कर लेते हैं और दूसरे दिन आप नाश्ता करते हैं तो 14 घंटा तो ऐसे ही हो जाता है, तो पेट कहां से निकलेगा? इस बात को हम जानते हैं मगर मानते नहीं है। किसी भी शादी पार्टी में गए तो रात को कहते हैं कि दही बड़ा नहीं खाना चाहिए, उसी को जबरदस्ती 200 चाट ढकल देते हैं। परमात्मा को जानते हैं, जैन को जानते हैं, महावीर को जानते हैं, मानते हैं, ऋषभ देव को मानते हैं, मगर जानते नहीं। आज मैं छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा सम्मान किया। जैन समाज का एक इतिहास है जिसको जानना आप लोगों को जरूरी है। ये इतिहास बहुत पहले का है, शायद आप लोगों को कुछ को ज्ञान भी ना हो, ज्ञात भी ना हो। आज सिख समाज जैन समाज का ऋणी है और रहेगा। कारण है टोडर मल जैन, तानिया टोडर मल जैन के लिए पुनः तानिया। ये तालियां इसीलिए बजाई जा रही हैं, गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे थे जिनको दीवार में चुनवा दिया गया था वजीर खान ने, ये आप लोगों को मालूम होगा।
उसका अंतिम संस्कार कराना था। वजीर खान ने कहा टोडरमल से, चार गज जमीन जो आप चाहते हैं उसमें सोने की सरफिया से भरना पड़ेगा। अंतिम संस्कार के लिए चार जगह जो मांगी गई उसको उसने कहा, वजीर खान ने जो मुसलमान था जिसने ऑर्डर किया था बच्चों को दीवार में चुनवाने के लिए, अगर आपको अंतिम संस्कार करना है, टोडरमल ने 78,000 सरफियां आज उसकी आप कीमत लगाइए, कोई नहीं लगा सकता। 78,000 सरफियां वजन 780 किलो, ये लिखा हुआ है इतिहास में, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस जमीन को खरीदा हो 780 किलो सोना देकर उस टोडरमल के नाम से पुनः तालियां बजाई जाए। इस त्याग की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं है। ये घटना 13 दिसंबर 1705 की है, आप लोग जाकर कहीं पर देख सकते हैं, लिखित है। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेंद्र शर्मा जी, आईएएस सुनील जैन जी और समाज के प्रमुख सभेजन पाटली जी वगैरह सब उपस्थित है। और हमारे भाटापारा पर एक गौरव के बात है कि लगातार मोदी परिवार के द्वारा 8 साल से लगातार ये कार्यक्रम संचालित है और जो समाज के क्षेत्र में, मानव समाज के क्षेत्र में जिनमें जो भी कल्याणकारी कार्य अपन जीवन में करता थे उसका उत्साहवर्धन करे बर मोदी परिवार हर साल तत्पर दिखते हैं। हम ये जानते हैं कि आज के तारीख में टांग खींचने वाला बहुत जन मिलते हैं, मैं बहुत क्लियर वाला बात कर रहा था, सम्मान कर रही बहुत कम मिलते हैं। एक बार मोदी जी के परिवार पर ताली बजाओ आप मान कि कम से कम कोई कार्य के मूल्यांकन करके सम्मान तो करत है। We'll be right back.
बलौदा जैन समाज नव निर्मित मंदिर निर्माण कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ जैन समाज की ओर से वो सहयोग चाहता है और पूरा छत्तीसगढ़ जैन समाज बलौदा जैन मंदिर में निर्माण में सहयोगी बने, इसी आशा के साथ सभी को सादर जय। जिनेन निवेदक बलौदा जैन समाज अगलतरा अगलतरा बलौदा, 11,000 रुपया हमारे प्रकाश भैया मोदी जी उन्होंने बलौदा जैन समाज मंदिर निर्माण में घोषणा की है। बाकी लोगों से निवेदन कि हमारे बलौदा जैन मंदिर में सहयोग करें। हम आदरणीय प्रधान प्रकाश भैया का पुनः अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन। देखिए बलौदा बाजार बहुत छोटी जगह है और बलौदा कलतरा बहुत छोटी जगह है। मैं चिन्मय सागर जी के साथ में वहां गया था 2001 में, 2001 या 2002 में गया था वहां पे, और महाराज ने वहां मंदिर बनाने के लिए बोला था। तो आज निश्चित ही वहां मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक और अक्षयकारी मंदिर बनेगा वहां पे। और जो भी, मैं पूरे छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज से निवेदन करूंगा कि उस मंदिर में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ राशि प्रदान करें। अगर बांट सको बांट दो मुस्कान के मोती, खुशियों में डुबो दो जो आंख है रोती, और मंदिर और मस्जिद में सर टेकने वालों, सेवा से बड़ी कोई भी पूजा नहीं होती, सेवा से बड़ी कोई भी पूजा नहीं होती। जैन समाज का जो मुख्य उद्देश्य दूसरों की सेवा करने का है, दूसरों की आंखों में आए हुए आंसुओं को पहुंचने का है, इस पावन उद्देश्य के साथ, समाज को एकजुटता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ, समाज के काम पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे देश में नाम जाने जाएं, इस उद्देश्य के साथ सकल छत्तीसगढ़ दिगंबर जैन समाज के गठन की आज घोषणा इस मंच से की जा रही है। सकल छत्तीसगढ़ दिगंबर जैन समाज का आगामी कार्यक्रम कैसा तय हो, किस तरह से इस संगठन के माध्यम से कामकाज चले, इसके लिए इस सदन के माध्यम से, जिस सदन में कि पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों से लोग महानुभाव पधारे हैं, मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि हमारे समाज के छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में धर्म ध्वजा के धारक आदरणीय भाई साहब प्रकाश जी मोदी को हम इस संगठन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के जैन मंदिरों के अध्यक्ष पदाधिकारियों को जोड़ करके इस संगठन की रूपरेखा बनाने की कृपा करें एवं किस तरह से इसको संचालित किया जाए, कैसे धर्म की प्रभावना हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वो मार्गदर्शन तय करें। और अपने प्रस्ताव के समर्थन में जो हमारे बीच में राजिम से भिलाई से भाई साहब पधारे हैं वो अपने विचार रखेंगे। भाई प्रदीप जी ने जो प्रस्ताव रखा मैं उसका समर्थन करता हूँ, राजिम दिगंबर जैन समाज उसका पूर्ण समर्थन करती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में मेरा साथ में एक सुझाव है, क्योंकि संस्था का विधिवत गठन और विधिवत संचालन हमको करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को सामने आकर कार्य करना बहुत आवश्यक है, और ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि श्री प्रकाश मोदी जी के साथ सकल दिगंबर जैन समाज
छत्तीसगढ़ के जितने भी मंदिरों के अध्यक्ष हैं वो सदस्य के रूप में सहयोग प्रदान करते हुए इस संस्था को विधिवत आम सभा के रूप में लाकर और एक विधिवत गठन करके अपने अपनी शक्ति के साथ इस संस्था को संचालन करने की कृपा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। हम अकलतरा जैन समाज हमारे आदरणीय भैया जी का सम्मान कर रही है। ऐसे सुमंगल अवसर पर कार्यक्रम के अंतिम चरण में समस्त उपस्थित जन समुदाय ने एक मत से सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ कमेटी के गठन की घोषणा की, जिसमें सर्वश्री प्रकाश जी मोदी, जो कि वर्तमान में जैन धर्म को समर्पित विश्व प्रसिद्ध टीवी चैनल पारस के डायरेक्टर भी हैं, को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। साथ ही श्री प्रकाश मोदी जी ने भी सभी की मंगल भावना का सम्मान करते हुए सहर्ष ही इस पद को स्वीकार किया और निवेदन किया कि आगामी 6 माह में पुनः चुनाव किया जाए। छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज की अध्यक्ष की बहुत दिनों से बात चल रही थी, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज सबने मुझे ये भार सौंपा है। वो मैं इसको अभी आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मैं एक कार्यवाहक के रूप में रहूंगा और आप लोग शीघ्र निर्णय करके इसका चुनाव आप आगामी रायपुर भिलाई दुर्ग जहां भी चाहें वहां इसका विधिवत चुनाव करें और उसके बाद घोषणा करें। मैं अभी कार्यवाहक छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष पद आप लोगों के कहने से स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर इसको चुनाव कराना होगा। प्रदीप जी, अरविंद जी, अरविंद पहाड़िया जी, राजेंद्र गदिया जी, सबकी स्वीकृति से मैं ये स्वीकृति दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। आप लोग को 6 महीने बाद विधिवत चुनाव कराना है। धन्यवाद। आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं अच्छे से निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। नहला जैन समाज की ओर से मैं अध्यक्ष सुशील जैन आज के हमारे परम आदरणीय श्री प्रकाश जी मोदी को कार्य छत्तीसगढ़ स्तरीय जैन समाज का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं। और एक मैं आपको इसके पहले हमारे पूर्व कार्यकाल के बारे में बताना चाहूँगा। श्रमणीय आरिका 105 विभोध श्री माता जी के संघ का चातुर्मास कलश स्थापना भिलाई में जब हुआ, उस समय हमने और प्रकाश जी मोदी ने सभी ने मिलकर वहाँ पर एक मीटिंग की थी। उसमें हमने प्रारंभिक प्रथम चरण या पहली सीढ़ी चढ़ते हुए समस्त मंदिरों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इस प्रकार 4 लोगों की एक कमेटी जो बनी हुई है, उनको सबको एक PDF के अंदर एकत्रित किया था। इसमें हमारे क्षितिज जी जैन भिलाई, उन्होंने अपनी बहती भूमिका निभाई थी। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और वह 68 जैन मंदिरों की जो PDF हमें मिली है, उससे हमारे समाज के पूरे छत्तीसगढ़ के कोई भी कार्यक्रम में सभी 68 जैन मंदिरों को आज आमंत्रित किया जा रहा है पिछले साल भर से। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी का यह दूसरा चरण आज हमें श्री प्रकाश जी मोदी, जो कि पूरे आज मैं कहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में वन मैन शो हैं, जो कि हमें धर्म के बारे में एवं समाज सेवा कैसे की जाती है वो हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनके मार्गदर्शन में पूरे जैन समाज के छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो यही चाहूँगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। आज हम बहुत ही अच्छे माहौल में एकत्र हुए हैं इस उद्देश्य और सद्भावना के साथ कि एक छत्तीसगढ़ स्तर पर सकल जैन समाज का गठन होना चाहिए। सभी लोगों की एक मतें राय ये है कि प्रकाश मोदी, जो कि अब श्री प्रकाश मोदी जी जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो चुके हैं, 172 देशों में जिनकी पहचान हो चुकी है, अब ये हमारे से बहुत आगे निकल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो गए। अब हमारे पास एक राष्ट्रीय व्यक्ति और प्रादेशिक स्तर पर व्यक्ति बसता है, वो है चिरंजीव अभिषेक जी। तो मैं चाहूँगा कि जो पिता पुत्र की जो जोड़ी जो पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात है, हमारे को ये समाज सकल जैन समाज गठन में इनका पूरा सहयोग मिले और मोदी जी को, चिरंजीव मोदी, चिरंजीव अभिषेक मोन्टू मोदी को हम ये कार्य बहुत सहज रूप से सौंपते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बोलने में अच्छे हैं, सबको जोड़ने में अच्छे हैं।
प्रकाश मोदी जी का संरक्षण तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं सुरेश भैया को हम जानते हैं, सुरेश पाटनी जी ये अभी तक तो श्वेतांबर जैन विधायक बनाते रहे हैं, अब हम चाहेंगे कि दिगंबर जैन का भी विधायक ये बनाए, क्योंकि हमारी एक भी लाल बत्ती नहीं भैया, आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है लाल बत्ती की, या राजनीतिक प्रकार हमारी बिल्कुल नहीं है। तो आज हम पहला उद्देश्य हम ये रखें, आज हमारे अरविंद भाई चुनाव हार गए, बताइए कितनी दुख की बात है, हमारे नगर में कांग्रेस सत्तासीना उसकी प्रत्याशी हार गई, तो हमारे बहुत कहीं ना कहीं कमी है, हम केवल बात ना करें, अब काम करने का समय आ गया है, अब खंडेलवाल परवाल ये ना वाल को हटाना है, द्वार को बनाना है और अपने संगठन को मजबूत करना है। इस मामले में अगर हम श्वेतांबर लोगों से सीख ले तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भैया। अब हम जो है, अरविंद भाई ने पिछली मीटिंग में कहा था कि अब पीछे मत पड़ो, पीछे रहो, हम लोग कबड्डी में फर्स्ट आ जाते हैं, इसको दूर करना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे ना आप, सबको एक समान चलना है। आज हमारे विजाति विवाह हो रहे हैं, मतलब ये पंच कल्याण की भीड़ सी लग गई, भीड़ जहाँ देखो मंदिर मंदिर मंदिर, अब समय आ गया भैया जैन विद्यालय जैन हॉस्पिटल खोलने का, इस पर हम विचार करें और नए संगठन पर विचार करें, हम मोदी परिवार के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, हमारी पूरी पूरी अनुमोदना है, जय जिनेंद्र। संगठन का बहुत महत्व है, संगठन मतलब एकजुट होना, आज समय एकजुट होने का है, बहुत सारे सरकारी लाभ हमको प्राप्त कर सकते हैं किंतु जानकारी के अभाव में हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज अल्पसंख्यक आयोग में बहुत सारी फैसिलिटी है लेकिन हमें किसी को नॉलेज नहीं, एक तो हम जैन समाज जो है ना बहुत आर्थिक सुदृढ़ता वाले क्षेत्र से आते हैं, इसलिए हमको देना, हमने हमेशा देना सीखा है लेकिन लेना नहीं सीखा, तो ये बात नहीं है, सरकारी फंड आते हैं, अल्पसंख्यक में बहुत सारी जातियों को सम्मिलित किया गया है, वो फंड उनको मिल जाता है, आज कॉलेज के अंदर में हो चाहे व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए हो, जानकार आदमी अगर होता है तो उसका लाभ मिलेगा, समाज को मिलेगा। ठीक है, हम नहीं लेंगे, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो सामने में शर्म के मारे नहीं आ सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ नहीं होगी, आज हम एक रुपए दिखाते हैं और 100 रुपए का हमको काम करने को चाहिए, तो वो सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से। आज हमारा ये जो कार्यक्रम हुआ है आदिनाथ भगवान का जन्म महोत्सव, ये अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो सिर्फ ये जितने 1500 लोग जो देखे होंगे उन्हीं को पता चलेगा, लेकिन आज प्रचार प्रसार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज लाखों लोग देखेंगे। आज निश्चित रूप से आदिनाथ भगवान, अभी हमारे हम लोग रास्ते में गाड़ी में आ रहे थे तो प्रदीप भाई और हम बात कर रहे थे, रायपुर में क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी रायपुर जैसा महावीर जयंती उत्सव समिति कहीं नहीं मनाई जाती, 15 दिनों तक के लगातार श्वेतांबर दिगंबर समाज एक साथ मिलकर करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसी में अगर प्रदीप भाई साहब ने रखा कि आदिनाथ भगवान, अब कितने दिन का फर्क पड़ेगा, 15 दिन का कार्यक्रम, 24 तारीख को या कितनी तारीख को महावीर जयंती है, 18 तारीख 17 तारीख का है, आज अभी 10-15 दिन का कार्यक्रम है, 2-3 दिन और जोड़ेंगे तो आदिनाथ से महावीर तक का सारा कार्यक्रम अपना हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा विचार है, इसको करना भी चाहिए। और मेरा तो एक सुझाव और भी है, अभी यहाँ सिख भाई लोग बैठे थे, ये लोग अपने गुरु नानक जयंती मनाते हैं, तो एक दिन रायपुर में इनका जुलूस निकलता है, एक दिन भिलाई में निकलता है, एक दिन दुर्ग में निकलता है, एक दिन कहीं और निकलता है, रहता एक ही दिन है, लेकिन वो प्रचार प्रसार के माध्यम, धर्म की प्रभावना के माध्यम से अलग अलग जगह में सब जगह लोगों को मालूम पड़ता है। ऐसा ही कुछ अगर हम भी करें, जैसे आदिनाथ जयंती जो है अभी सिर्फ भाटापारा में मोदी जी और उनके परिवार और समाज के द्वारा मनाई जा रही है, ऐसे अगर हम मान लीजिए 2-4-5 दिन अगर लगातार कभी किसी दिन कहीं सुविधा अनुसार, तो सारे जगह में इसका प्रचार प्रसार होगा। और जो अभी तक भगवान महावीर को ही दुनिया में सब जानते हैं कि जैन समाज के भगवान सिर्फ महावीर हैं, वो आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर से लेकर महावीर तक जानेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आज छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज के बहुत अच्छा मजबूत कंधे को हमने अपना भार दिया है, निश्चित रूप से इसका सफल हम लोग को सफलता मिलेगी इसमें, और बाकी ये जिनसे जैसा काम करना चाहेंगे, हम लोग सब अपने आप में सक्षम है, ऐसा नहीं है कि कोई सक्षम नहीं है, सब हीरे हैं हमारे समाज में, लेकिन बस वो हीरों को कोयले के बीच से निकालने वाला आदमी चाहिए, तो ये जौहरी मिल गया है, ये निकाल लेगा अपने आप। समाज भाटापारा को एक सूत्र में पिरोकर रखा है, जिन्हें प्यार से सभी लोग नाम से नहीं जानते लेकिन दद्दा कहकर पुकारते हैं, ऐसे समाज के हमारे संरक्षक, प्रथम संरक्षक श्री सुभाष जी जैन,
जो कि यहाँ पर चौरेंगा गांव से पधारे हैं और आज भाटापारा में एक अपनी अलग पहचान बना के रखे हैं। ऐसे श्री सुभाष जी जैन दद्दा जी का यहाँ पर सम्मान समस्त सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री सुभाष जी जैन दद्दा भाटापारा। आपका सम्मान सारे समाज का सम्मान है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री सुभाष जी जैन सिंघई चौरेंगा भाटापारा समाज के संरक्षक। सम्मान आपका बहुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम पर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में रायपुर से सनत कुमार जी जैन हैं, कोरबा से शांत कुमार जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और कोरबा जैन समाज में इनका सहयोग निरंतर हम सबको मिलता रहता है। तो ऐसी यहाँ पर इस्पात नगरी कोगरा में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्री शांत कुमार जी जैन, उनका सम्मान करते हुए हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री शांत कुमार जी जैन कोरबा। अगले क्रम पर हमारे बीच में कोरबा से ही श्री मनीष जी जैन यहाँ पर अगर उपस्थित हैं तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। श्री मनीष जी जैन युवा हैं और हमारे समाज में इनकी महती भूमिका रहती है। तन मन धन से सहयोग में रहते हैं, चाहे मंदिर के कार्यों में हो, सामाजिक कार्य में हो, धार्मिक कार्य में हो, चाहे मुनियों के आगमन से श्री मनीष जी जैन कोरबा। उसी क्रम में कोरबा से हमारे बीच में श्री राजीव जी जैन भी आए हैं जो कि सदस्य हैं मंदिर कमेटी की, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। भाई राजीव जी जैन कोरबा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगले क्रम पर हमारे बीच में बलौदा बाजार से उपस्थित अध्यक्ष दिनेश ममता जी जैन छाबड़ा का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। बलौदा बाजार से समाज भाटापारा से बहुत ही पास है, अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज परम पूज्य मुनि शेख चौहान सुयत सागर जी सद्भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में साथ ही शहर पूर्ण संपन्न हुआ था, जिसमें समस्त समाज की अग्रणी भूमिका रही थी। और ऐसे अध्यक्ष जी दिनेश जी ममता जी जैन छाबड़ा बलौदा बाजार से अगर उपस्थित हैं तो उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। इनके द्वारा भाटापारा में 2196 मीटर लंबा तिरंगा झंडा फहराया गया है, जिसका छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने 400 अधिक संस्था के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्यपाल के द्वारा भी इनका सम्मान किया गया है। ऐसे अरुण छाबड़ा बंटी भैया का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। पूरे समाज के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करेंगे। अतुल भैया रायपुर, इस स्वागत की कड़ी को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा और अंत में स्वागत इस ऐसे व्यक्तित्व का करना चाहूंगा जिन्होंने हम सबको इस लायक बनाया कि इतना यह कार्यक्रम रथ यात्रा का हो। चाहे स्वागत करेंगे भरत भैया का, इनके मार्गदर्शन में आज हम सब यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न करा पाए हैं। सरल स्वभाव के ध्वनि मृदु भाषी इनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है। मंदिर जी में जो अतिशय संपन्न हो रहे हैं हम देख रहे हैं, उस मंदिर जी की वेदी प्रतिष्ठा भी इनके हाथों हुई है। अभी जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमने किया था वो भी इनके सानिध्य में हमने किया था। कल्पतरु महामंडल विधान इनके सानिध्य में हमने मंदिर में किया था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश समाज की सहभागिता रही थी। इन्होंने संस्कृत में एक किताब लिख रहे हैं जिसमें पीएचडी इनके ऊपर घोषित हो गई है। तो अब डॉक्टर भरत शास्त्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत वंदन और अभिनंदन हम सब कर रहे हैं। बिलासपुर से हमारे बीच में अमित जी जैन ना, अमित जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका सम्मान हमसे छूट गया था। वे बड़े मुनि भक्त हैं, समाज के अग्रणी भूमिका निभाते हैं, सामाजिक कार्यों में धार्मिक कार्यों में इनकी महती भूमिका रहती है। उनका सम्मान कर मंदिर कमेटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। श्री अमित जी जैन बिलासपुर, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी का पद भी हासिल किया है। ऐसे डिग्री से सुशोभित जैन समाज के गौरव श्री अमित जी जैन बिलासपुर से सम का सम्मान करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके बाद हम सब सम्मान करने चाहेंगे अपने अपने हमारे अपने श्री प्रदीप जी जैन दैनिक विश्व परिवार रायपुर का, जो की अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। तिलक की लगाओ
इनके गले में माला पहना, सभी स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। एक बाबा थे जंगल वाले और ये मोदी जी मंगल वाले बाबा हैं। उनके सिर पर जो मुकुट रखा है समाज का, और प्रदीप झांसी वालों के सिर पर ये हीरा और पन्ना की जोड़ी है। हीरा और पन्ना की जोड़ी आपने दी है, ये याद रख लीजिए, इस बात को दिल को साफ कर लीजिए। ऐसे महान आत्मा है ये, मैं जानता हूँ इन आत्माओं को, ये पवित्र आत्मा है। एक तो हमारे मोदी जी मंगल वाले बाबा हैं और वो जंगल वाले बाबा थे, और ये अपने प्रदीप झांसी वाले ये समाज के दो रत्न दिए। उस मुकुट में एक रत्न है माणिक और एक रत्न है मोती। ये समाज को आगे ले जाएंगे। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये मंगल वाले बाबा हैं, याद रख लीजिए, मोदी जी जो है ये मंगल वाले बाबा हैं, जंगल वाले बाबा के बाबा। इनको सबको आशीर्वाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। आपका स्वागत। मैं इससे बोला था कि भाटापारा का दिगंबर जैन समाज को जिन्होंने एक सूत्र में बुलाया हुआ है, ऐसे सुभाष जी चाचा का उन्हें सम्मान किया है। अब एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं जिनका परिवार में आज जो हम पंचायती दिगंबर जैन मंदिर देते हैं, उस परिवार ने उस भूमि को मंदिर जी के लिए दान किया था, और जिन्होंने दिगंबर जैन समाज की सारी व्यवस्थाओं को संभाला, पूरी व्यवस्था संभाली हुई है समाज की। ऐसे आदरणीय सिंघई अशोक कुमार जी जैन का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, जो भाई बॉस को अच्छी तरह से जानते हैं। जैन समाज को कैसे चलाया जाता है, समाज की क्या रूपरेखा बनती है, समाज के क्या नियम और कानून होते हैं, उसके बहुत अच्छे जानकार रजनी मोदी जी, श्रीमती सुमन मोदी जी, श्रीमती मंजू मोदी जी, श्रीमती अंशु मोदी जी, और हमारे बुआ जी श्रीमती सेवंती जी, श्री बाबूलाल जी जैन जी, श्रीमती उषा जैन जी, श्रीमती कशी प्रमोद जी जैन जी, यह संपूर्ण मोदी परिवार है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोंटी रवि, रिया, गुड़िया, भानु, सोना, शानू, मानू, आदि, छोटू, अब आनव, अनायशा, रियान, शनाया, स्वाति, विशु, प्रिया, श्रिया, ऐसे करके पूरा रवि ये सब यहाँ पर, प्रिया, श्रेया, ये सब पूरा मोदी परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हम सभी आप सबका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहाँ सब पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जय जय। तो वो है चंद्र के तीर्थ क्षेत्र, इसे हम अपना तीर्थ कह सकते हैं, क्योंकि आप जैसे वहां पर पदाधिकारी सुशोभित हैं जो अपना पन दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, और हम सबको लगता है कि वह तीर्थ क्षेत्र हमारा अपना है, और हम सब तन मन धन से सहयोग कर आचार्य भगवान के सपने को पूरा करने में अपना योगदान अवश्य देंगे। श्री किशोर जी सिंह चंद्रगिरी पर, श्री सुभाष जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, एक बड़े तीर्थ क्षेत्र को बनाने के लिए जमीन से लेकर एक एक कण को जोड़ने करने के लिए जिस प्रकार कोष का उपयोग किया जाता है, उसका विधिवत संचालन करकर श्री सुभाष जी जैन डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है। उनका सम्मान करके भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बंटी अच्छा देव आदिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आज आदिनाथ जयंती में पाटापारा में चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र समिति के पदाधिकारी हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए। सम्मिलित होने के बाद यहाँ जो कार्यक्रम माननीय प्रकाश मोदी जी एवं मोदी परिवार जैन समाज पाटापारा के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था,
अद्वितीय कार्यक्रम है। हर साल लगभग 10-12 वर्षों से निरंतर यह कार्यक्रम चलते आ रहा है, जिसमें सभी समाज वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं। यह एक अनोखा कार्यक्रम है। भाटापारा में जो यह कार्यक्रम होता है, एक निर्वाण महोत्सव और जयंती महोत्सव, ये अपने आप का एक अनोखा कार्यक्रम प्रकाश मोदी जी के द्वारा किया जाता है। मैं मोदी परिवार को, जय समाज को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जी ने चर्या शिरोमणि आचार्य विभू सागरी महाराज का चतुर्वाद मिलने की लगभग 27 संभावना है, तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी आज गठन हुआ है, इस पे हम सब लाभान्वित भी होंगे। इसके बेहद मतलब छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज का एक पुण्य जागेगा कि ऐसे चर्या शिरोमणि आचार्य विभू सागरी महाराज का सशक्त सानिध्य हमको छत्तीसगढ़ की राजधानी में मिलेगा। कहीं ना कहीं सब लाभान्वित होंगे, क्योंकि सेंटर में है वो, और आगे जाके फिर हो सकता है कि और भी आचार्य श्री का कोई अगर मन हो तो हो सकता है कि एक एक दो महाराज अगर बोल नहीं सकते हम, लेकिन अगर हो सकता है कि सब छोटे छोटे शहरों मतलब जगहों में हमको मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सकल दिगंबर जैन समाज इसमें सब मिल करके कार्य करेंगे तो हम सबको लाभ मिलेगा। आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी मोदी ने भाटापारा का नाम पूरे भारत के नक्शे पे गौरवान्वित कर दिया है, और ये ऐसा अद्भुत प्रोग्राम है जहां जैन समाज ही नहीं पूरी जैन समाज मिलजुल कर ये कार्यक्रम को पूर्ण करती है। और वास्तव में यहां आकर और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मैं बड़ा गदगद महसूस करता हूं, और ये मैं जानता हूं कि ये कहीं मेरा पुण्य है कि मैं 1008 श्री आदिनाथ भगवान के इस जन्म उत्सव के अवसर पर इस मंगल कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी मोदी एवं उनके परिवार का कि इस कार्यक्रम में हम लोगों को सम्मान दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं जो कोरबा का जो मंदिर बना है उस मंदिर में अब तो एम डी जैन साहब आए नहीं, महात्मा गांधी थे, हमको महात्मा गांधी कह रहे हैं, एस के जैन डॉक्टर एस के जैन भी चले गए, उन दोनों को मालूम है और अभी प्रमोद है उनको मालूम है आपकी जमीन मतलब भेजा कब्जा है। वहाँ पे बुलडोजर चलने वाला था मंदिर में, उस समय मैंने अजीत जोगी से बात करके रातों रात बाउंड्री कराई थी 2 दिन के अंदर, और 24 तीर्थंकरों ने 24 चरण वहाँ पे लगवाए थे, और उनको मतलब ऐसा किया था कि कैसे भी करके ये टूटे थी, और उसके कारण वो मंदिर वहाँ बचा था कि तोड़ने आए थे उसमें मंदिर नहीं बचा था। मैंने हमेशा सहयोग देने की कोशिश की है, आप लोग आइए जुड़िए, हम आपको हमेशा सहयोग देते रहेंगे। आज जो कार्यक्रम इस अतिशयकालीन रूप से संपन्न हुआ है उसका पूरा श्रेय आचार्य भगवान का आशीर्वाद परम पूज्य दीपक भैया ने लेके आए हैं। मैं उनका निवेदन करूंगा कि पूरे उपस्थित जन समुदाय उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दीपक भैया जो प्रमोद जी हमारे बीच में आज पूरी जुलूस व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, ऐसे प्रमोद भाई का खुद आके पूछते मंडी भाई क्या काम है बताओ। मंदिर जी के सामने जहाँ बहुत ही अच्छी आगवानी की गई, इस क्रिया के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। तो भाटापारा में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी और मोदी परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। ये सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ में एक पूर्ण कमेटी के रूप में विकसित की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी लोग सम्मिलित होंगे, और ये कमेटी एक रूप से सभी कमेटियों का समावेश होगा। जितने भी संघ जितने भी कमेटी छत्तीसगढ़ में होंगे वे सभी इस समिति के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में श्री प्रकाश जी मोदी को इस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य समाज में उपस्थित प्रत्येक जगह के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों ने ध्वनि मत से पारित कर उन्हें इस सम्मान के साथ सुशोभित किया। पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के आशीर्वाद से भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक एवं रथ यात्रा महामहोत्सव का ये महामंगल कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से सातिशय के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ समय हो चला है इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र।